प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम पदार्थों के गुणों पर चर्चा करेंगे। पदार्थ जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे सामने यहाँ पर एक लकड़ी का डिब्बा है। आपको इस डिब्बे के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसका मतलब ये जो लकड़ी है वो क्या है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, वे पदार्थ जिनके अंदर से प्रकाश नहीं गुजर सकता, यानी उसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता, वो अपारदर्शी वस्तु होती है। जैसे लकड़ी आ गई और ये गत्ता जो है, गत्ते का डिब्बा भी मेरे पास है, इसमें भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्या चीज रखी हुई है, इसका मतलब ये गत्ता भी क्या है, अपारदर्शी है। और आपके सामने यहाँ पर एक प्लास्टिक का डिब्बा भी रखा हुआ है, इसमें भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि भी क्या है अंदर, तो इसका मतलब ये जो प्लास्टिक है यहाँ पर, ये जो प्लास्टिक है वो भी क्या है, अपारदर्शी है। यहाँ पर मेरे पास एक स्टील की बोतल है जिसके अंदर पानी रखा हुआ है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये भी क्या है, एक अपारदर्शी वस्तु है। अब आप देखेंगे कि मेरे सामने यहां पर एक ये दूसरे प्लास्टिक का डिब्बा है, यहां पर ये प्लास्टिक जो है वो देखो पारदर्शी है, जिसके अंदर रखी प्रत्येक वस्तु आपको नजर आ रही है। दूसरा मेरे पास यहां पर क्या है, एक कांच का बिकर है जिसके अंदर मैंने यहां पर रंगीन पानी डाला हुआ है, वो आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पारदर्शी है, इसके अंदर से प्रकाश जो है वो गुजर सकता है। ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर से प्रकाश गुजर सकता है और उसके आर पार हम देख सकते हैं, उन वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे यहां पर एक दूसरा बिकर है, इसके अंदर मैंने चावल रखे हुए और पानी डाला हुआ है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां पर कांच क्या है, एक पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। मेरे पास यहां आप देख रहे हो एक सफेद कागज मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा है, ये जो सफेद कागज है अपारदर्शी है, यानी इसके आर पार हम नहीं देख सकते, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब हम इसको अपने सर पर रगड़ते हैं, सर पर रगड़ने से क्या होगा, इस पर तेल लग जाएगा, तो देखो क्या होता है। अब आप देखते हैं कि सर में रगड़ने के बाद इस कागज पर तेल लग जाता है, तेल लगने के बाद जो ये कागज जो है, पहले इसके अंदर से दिखाई नहीं दे रहा था आपको, देखो मैं यहां दोबारा से दिखा देता हूं, यहां पर तेल नहीं लगा हुआ, तो यहां से आपको ये बिकर के अंदर रंगीन पानी नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं यहां लेकर के आ रहा हूं आपको इसके अंदर स्पष्ट रंगीन पानी नजर आ रहा होगा और बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है, आपको धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मतलब तेल लगा कागज क्या है, पारभासी है, यानी जिन वस्तुओं के अंदर से प्रकाश पूरी तरह से नहीं गुजर पाता, यानी कुछ गुजर जाता है कुछ रह जाता है, उन वस्तुओं के अंदर से हमें धुंधला दिखाई देता है, उन वस्तुओं को हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं।